यार कहाँ से शुरू करें। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ हिमांशु जीना। तो दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट ब्लॉग। आज डेट है 19 अप्रैल, ठीक है, 2022। तो मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है हल्द्वानी में। तो मेरा जो शिफ्ट है वो तीसरी शिफ्ट में है मेरा। तो मैं भी दिखाता हूँ आपको ऑन द वे, आपको भी ले जाते हैं, हम भी चलते हैं सेंटर पर और देखते हैं एग्ज़ाम कैसे जाता है। तो ये मेरा एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं, ये है तीन पानी। अभी टाइम हो गया है 2:40 और आगे इतना लंबा ज़्यादा जाम लगा है। मुझे सेंटर पर पहुंचना है 2:30 बजे और अभी मैं यही हूँ यार, जोलीकोट। वन ईयर लेटर यहाँ पे चल रहा था यार कुछ काम। ओहो सेठ, पुलिस वाले भी नहीं आया, सब लोग खुद ही कर रहे हैं। रोडवेज भी फंसी दिखाता, 1 घंटे से रोडवेज फंसी है। तो यार मेरा ना एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, बस अब निकले हैं। तो अगर मैं आज के एग्ज़ाम का अगर रिव्यू दूँ, मेरी शिफ्ट थी 19 अप्रैल की, शिफ्ट 3 में मेरा एग्ज़ाम था। तो मुझे पेपर थोड़ा मॉडरेट से हार्ड की ओर टिल्ट लगा, मैथ्स काफ़ी कैलकुलेटिव लग रही थी और रीजनिंग भी थोड़ा टफ थी। तो मुझे लगता है कि शायद 2021 सीजीएल 2021 का ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट में से एक होगी, क्योंकि मैंने लास्ट के दोनों एग्ज़ाम दिए हैं 19 और 20। तो मुझे लगता है कि इस शिफ्ट का जो गुड अटेम्प्ट अगर मैं देखूं तो 60 के आसपास किसी ने एक्यूरेट के साथ किया है, तो आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेगा। और अगर जिसने 70 प्लस विद एक्यूरेसी है तो काफ़ी गुड स्कोर है इस शिफ्ट के लिए। आज का एक जीएस क्वेश्चन था, जैसे वाटर में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन पाई जाती है। एक क्वेश्चन था कि एक बुक थी, तो इसमें से चूज करना था 4 ऑप्शन में से कि इसमें से इसका ऑथर कौन नहीं है। एक क्वेश्चन आर्टिकल 338 से था जहाँ तक मुझे याद है। इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ तो इट वॉज ईजी टू मॉडरेट। बाकी ओवरऑल मुझे तो लगता है कि यार दिस इज गोइंग टू बी टफेस्ट शिफ्ट ऑफ सीजीएल 2021। एंड बाकी ओवरऑल मुझे तो लगता है कि यार दिस इज गोइंग टू बी टफेस्ट शिफ्ट ऑफ सीजीएल 2021। एंड और मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैंने 2019 भी दिया था। आई वॉज इन टफेस्ट शिफ्ट दैट वॉज हेल्ड ऑन मार्च 5th एंड इन 2020 माई एग्ज़ाम वॉज शेड्यूल्ड 17th ऑफ अगस्त। तो 2019 में मेरे एटलीस्ट 40 मार्क्स बढ़े थे और 2020 में अप्रोक्स 20 या 22 मार्क्स बढ़े थे। तो मुझे तो शिफ्ट मेरी आज वाली उन दोनों एग्ज़ाम से भी टफ लगी है। बाकी अप टू यू, और बाकी आप लोगों का भी किसी का एग्ज़ाम होगा तो आप लोग क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। बाकी तो ये है यार, डोंट टेक इट सीरियसली, क्योंकि ये जो कुछ भी मैंने बोला अभी तक तो ये तो मेरा प्रशासन था,
जो मुझे लगा एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम देके, तो वो मैंने शेयर करा आप लोगों के साथ। तो बाकी कुछ दिनों में एनालिसिस आ जाएगा, शुभम जैन और कुछ और लोगों का भी, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सी शिफ्ट ऑफ